ये है मिस्टर राशिद लतीफ। राशिद भाई क्या कहेंगे आप? 16 का वर्ल्ड कप देखें, उसमें चार छक्के लगे बैनिस्टोक को, फाइनल के हीरो ब्रैथवेट थे। 19 का मैच देखते हैं, फाइनल का हीरो बैनिस्टोक, और आज दोबारा देखते हैं कि फाइनल का हीरो बैनिस्टोक। नर्व कितना काउंट करती है क्रिकेट में, तो ये लर्निंग प्रोसेस हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए। अगर फॉलो करना किसी प्लेयर को बनने के लिए, बैनिस्टोक को फॉलो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपने देखा किस तरीके से फाइनल हुआ आज T20 वर्ल्ड कप का, और पाकिस्तान एक प्रकार से ये मैच हारा, लेकिन वन साइडेड नहीं था, जैसा कि इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल था। पाकिस्तान ने कुछ फाइट बैक दिया, हालांकि टोटल इतना बड़ा नहीं था कि डिफेंड करने को तो पाकिस्तानी बॉलर्स करते क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने एटलीस्ट 50 के अंदर 3 विकेट तो लिए। फिर बैनिस्टोक 50 ओवर के चैंपियंस इंग्लैंड के लिए, T20 में भी आज चैंपियन बना दिया उन्होंने। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर फॉलो करना किसी प्लेयर को बनने के लिए, बैनिस्टोक को फॉलो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन इज एक्चुअली सिटिंग अमंगस्ट अस टुडे। आई एम गोना गो कांग्रेचुलेट हिम एज़ वेल, ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड वी हैव मिस्टर आज़र महमूद। मुबारक हो। क्या आपने करण को सिखाया कि करण ने आज तबाही मचा दी पाकिस्तान की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुबारकबाद इंग्लैंड को, और जो पाकिस्तान जो है, मतलब जो है ना, टफ लक टू पाकिस्तान। जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेला है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, आई थिंक के जहाँ पे दो मैचेस हारने के बाद जिस तरह उन्होंने फाइट बैक किया है, आई थिंक जो राशिद भाई ने मेंशन की बात, आई थिंक के थोड़ी सी मैं यहाँ पे डेफिनेटली बात करूंगा कि जिस वक्त नर्व्स की बात होती है कि कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट करना है, कैसे आपने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, तो बेन स्टोक की उन्होंने बात की कि 2019 की वर्ल्ड कप की बात की, अभी की बात की, 16 की बात की। अब देखें, जिस वक्त पाकिस्तान टीम खेल रही थी ना, कोई प्रेशर नहीं था उनके पास, फेयरलेस क्रिकेट खेली, दिमाग में कोई नहीं था। सडनली आपके ऊपर प्रेशर आ गया, वहां आप पहुंच के कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, और वहां पे प्रेशर और नर्व्स का काम जो है ना वो आ गया। आज हमें देखा कि उस तरह का फ्लेयर नजर नहीं आया हमें पाकिस्तान टीम में। वो एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी है कि अगर आप देखें कि होम क्राउड लग रहा था, हम मेलबर्न में खेल रहे थे और एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान टीम हेयर। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, यस डेफिनेटली यू हैव टू इंप्रूव योर स्किल, यू हैव टू इंप्रूव योर एटीट्यूड ऑन द फील्ड, बट यू नो दिस थिंग्स जो मेंटल साइड ऑफ थिंग है, इसको भी इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें जो है ना फेयरलेस माइंड के साथ जाना चाहिए फेयरलेस क्रिकेट के। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जरूर करेंगे। और उन्हीं के साथ मौजूद है खवातीन आजाद, फॉर्मर स्किपर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर्स। खवातीन आजाद, ये है मिस्टर मोहम्मद हफीज। हफीज भाई क्या कहते हैं आप आज? फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट इंग्लैंड क्रिकेट टीम, इंग्लैंड मैनेजमेंट एंड द थिंक टैंक बिहाइंड इन द लास्ट 3-4 ईयर्स हु मेड द राइट डिसीजन, एंड ऑब्वियसली लाइक 50 over champion, T20 champion, it looks like easy, but it's not easy because they planned accordingly and their players obviously executed it very well. Exactly. So congratulations to them. And for Pakistan, I think it's an incredible journey we all should be proud of. Lots of things to learn, lots of things to cherish, but still I believe as a fan of cricket, as a Pakistani, I'm proud of them, the way they fought in a down and under situation. Aur wahan pe ek character show karna, wahan se aage aake, एज ए प्लेयर, एज ए टीम जो है वो खड़े होना, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल जर्नी। और हमें बहुत मजा आया इनको देख के, इनकी परफॉर्मेंसेज देख के, क्योंकि हार और जीत के अंदर जो सबसे बड़ा जो चीज़ मैटर करती है वो आपका एटीट्यूड है जी। आप कैसे अपने आप को खड़ा करते हैं मुश्किल हालात में, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद। तो वेरी क्विकली बेन स्टोक्स के लिए आज कुछ कह, मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम रियली सरप्राइज नॉट टू सी हिम एज ए मैन ऑफ द मैच। आई सल्यूट टू द इनक्रेडिबल जजेस जिन्होंने सैम करन को सब कुछ ये समझा। यस ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बिग परफॉर्मर, लेकिन जो अमाउंट ऑफ प्रेशर उसने एब्जॉर्ब किया, आई कुड अंडरस्टैंड कि कैसे वो मैन ऑफ द मैच नहीं बना इस मैच के अंदर। बट हुएवर विंस ऑब्वियसली चैंपियंस आर चैंपियंस, दे आर द चैंपियंस, लेकिन मुझे बहुत पर्सनली ये दुख हुआ कि आज कम अज कम बेन स्टोक शुड बी द मैन ऑफ द मैच। ऑलराइट, सो वेरी क्विकली खवातीन आजाद, मैं यहाँ पर इस मौके पर ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, सिलेक्शन कमेटी को, हमारे जितने कोचेज हैं, फिजियोज हैं, सपोर्ट स्टाफ है, जितने भी हमारे खिलाड़ी, उन सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। यू गेव इट योर बेस्ट, इट वॉज इट आर डे, इंशाल्लाह सूनर और लेटर इट विल बी आर डे टू।
I think Azo made a really good point about playing fearless cricket. Jos Buttler was asked about the fear of failure, and he said over the last 6 to 7 years, they've just started learning how to play fearless cricket. The disappointment of the 2015 Cricket World Cup taught them about taking their chances when it mattered. Nasser said something so interesting on commentary. He said, Jos said to him that he just felt like at times in the 2019 World Cup, he could have played the scoop, and he second-guessed it. Today, he backed himself, and I think it's that fearless cricket mindset that England have started to play with, and I think we're going to see some really good cricket from them in years to come. And congrats to Matthew Mott. I mean, yeah, we always pick up the coaches when they lose. He won the Women's Cricket World Cup with Australia, and now the Men's T20 World Cup with England. Exactly. And in addition to that, I think, you know, where you spoke about fearless cricket, I think that, you know, England was right on spot with their technique too as well. So that's something which really needs to come in handy while you're playing the fearless cricket. Very quickly, moving on to Rashid Bhai Uwera. राशि भाई, थोड़ा आज हम जो अब एक्सपेक्ट कर रहे थे, जरा कॉम के दिल की भी बात करना चाहता हूं मैं यहां पर, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे बैटर्स थोड़ा सा मजीद अच्छा अगर परफॉर्म करते, 20-30 और स्कोर होता तो शायद आज एक टफ कंपटीशन हो सकता। अभी हुआ नहीं हुआ नहीं नहीं, या इंग्लैंड की जो रियल टाइम कोचिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा तस्करा करना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने चेक किया, शान मसूद खेल रहे थे, जो रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, अगर आप गौर से दोबारा देखिएगा बॉल टू बॉल, तो गैप ज्यादा थे, दूर खड़े हुए थे, वो उनको थोड़ा सा करीब लेके आए, 10-10 कदम ऊपर लेके आए, कम से कम 20 यार्ड ऊपर लेके आए, तो अब उनको ऊपर से मारनी थी और सारे वैसे ही आउट हुए, मारनी पड़ेगी। और जैसे ही आदिल रशीद आए स्लो बॉल की, उन्होंने बड़ी हिट मारी, और मोस्टली मैच से पहले भी मैंने यही तस्करा किया था कि सामने मत मारो, मतलब कि सामने स्क्वायर ऑफ द विकेट जाए, न्यू बॉल थे उससे ज्यादा चौक है, मोस्टली हम लोग बड़ी हिट मारने गए। बाकी इफ्तिखार का ओवर था, उस पर बाद में भी बात करेंगे, वहां पर नवाज का बंदा था मिडिल लेग से, क्योंकि बड़ी बाउंड्री इस तरफ, बिल्कुल, तो अगर यहाँ से ओवर द विकेट आ गए, राउंड द विकेट आ गए, इजी हो गया, बैक फुट पे या सामने से आ गए, सामने इजी हो जाता है। अगर लेफ्ट आर्म करता मिडिल लेग पे तो आपको जाना पड़ता है इस तरफ, डीप मिड विकेट या डीप स्क्वायर लेग की तरफ जाना पड़ता है। खैर ये चीज़ें हो गई, ये अपने अपने तजिए होते हैं, उसके ऊपर हम बीच में भी बात करते रहेंगे। लेकिन इंग्लैंड आउटस्टैंडिंग, मतलब कि होता है ना, एक टीम आ रही है जज्बे से आ रही है, उसको न्यूट्रलाइज कितने मजे से किया उन्होंने, जहाँ 29 रन 4 ओवर का मतलब है कि आप 170 करेंगे, ट्रू, इससे कम नहीं हो सकता, लेकिन बीच का गेम किस तरह से इंग्लैंड ने आपको न्यूट्रलाइज किया, अमेजिंग कैप्टेंसी कह सकते हैं या उनकी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग इंग्लैंड की बहुत जबरदस्त थी, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। जी अजय भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप देखें कि अभी हमने बात की उनके कोच की बात की, आई थिंक इसका क्रेडिट जो है ना पीछे अगर जाएं तो रॉब की को जाता है, जिस तरह वो आए, उन्होंने मैथ्यू मॉट को लेके आए, टेस्ट मैच में वो बैस को लेके आए, और ये सारा कुछ उनकी जो प्लानिंग थी, जब उन्होंने वर्ल्ड कप की ये टीम खेलनी थी तो उनको पहले पता था कि हम वर्ल्ड कप में जब पहले मैच खेलेंगे तो हमारी ये टीम पॉसिबल 11 होगी, तो उसके लिए उन्होंने 6-8 महीने पहले से काम करना शुरू कर दिया था। उसमें उनको इंजरीज की प्रॉब्लम हुई, टॉपली इंजर्ड हुए, उनका जो मेन जो था कि अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास बैकअप प्लान्स की जो बात कर रहा हूँ मैं, आप बैकअप प्लान्स से, तो उन्होंने देखा, आपने सीरीज जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई, बटलर जो है वो 7 मैचेस की सीरीज में कोई मैचेस नहीं खेले, उन्होंने उसको रेडी किया कि वर्ल्ड कप में जाके हमारे लिए क्रूशियल रोल कर सकता है, गो कि उन्होंने पहले मैचेस में नहीं किए, लेकिन जहां पे उनको उनको वो टाइम मिला वहां उन्होंने अपना वो शो किया कि ही इज अ मैच विनर। तो ये चीजें जो है ना प्लान करने के, अब सम टाइम क्या होता है कि जैसे हम क्रिकेटर्स हैं, हम ऑपोजिशन से भी सीख सकते हैं कि हमने अपने आप को कैसे बेहतर करना है, और आई थिंक कि दिस इज अ मॉडल जो है ना जो उन्होंने पेश किया है वो पाकिस्तान के लिए भी है कि अगर हम अपने बैकअप्स के लिए प्लेयर्स मौजूद रखें, और इस टैलेंट और पोटेंशियल है लेकिन हमारे पास बैकअप होना चाहिए। अब हमारे पास, हम क्या करते हैं कि हम ऑन द स्पॉट जाके सीरीज बाय सीरीज सोचते हैं, हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, तो आई थिंक कि हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लॉन्ग टर्म देखें, और आपने अपनी टीम को, अपनी जो बैंक स्ट्रेंथ है उसको कैसे डेवलप करना है, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इस टूर्नामेंट में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे पाकिस्तान के, आप जितनी भी बात करें वो कम है, चाहे वो बाबर की कैप्टनसी की बात करें, जिस तरह वो आके उन्होंने यहाँ पे बात की है, अगर आप उसको देखें तो इंप्रूवमेंट है, हर चीज में इंप्रूवमेंट है। हमारा जो बीच का मसला है, जो स्ट्राइक रेट का मसला है, या जो उन चीजों का मसला है, उस पर भी काम हो सकता है। इट्स जस्ट के आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप थिंकिंग को थोड़ा सा, आपको अपना विजन को थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा, तो उससे चीजें काफी सारी बेहतर हो सकती हैं। सच गुड पॉइंट्स। आई मीन रियली व्हेन इट कम्स टू बेंच स्ट्रेंथ, इट गेट्स टेस्टेड एट टाइम्स इन वर्ल्ड कप्स यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, एंड यू फाइंड टीम्स दैट कंसिस्टेंटली डू वेल आर द टीम्स दैट कैन जस्ट चर्न आउट प्लेयर्स। आई मीन लुक एट समवन लाइक मार्क वुड मिसिंग आउट, सीजे कम्स इन, इज एबल टू जस्ट स्टेप अप, इट्स अगेन बिकॉज़ दे रिगार्ड हिम एज अ मैच विनर।
Phil Salt didn't quite come off today, but he didn't waste time at the crease at the same time. So, Lance, as a coach, how do you go about building bench strength in the build-up lead up to World Cup? Yeah, it takes time. It's not just something that you can just rock up and turn the switch. It takes time, it takes planning, it takes work with those players, it takes giving them game time when you can give them game time. And then, for me, the important thing is settling on a squad, settling on your 11 and your backup players 6 or 7 months out of a tournament, and giving those people enough game time to play together and to find out where they all fit in. And certainly from a bench, you know, your 3 or 4 players that are not necessarily playing in your best 11, where do they fit in? And what would their roles be, so that they are mentally prepared for that. So I think that's been the good thing with England, is that they've been able to give their bench, in the last 6-8 months, game time in that setup, and it's knowing about where they fit in. Exactly, and I think in addition to that, I would want to move on to Hafeez Bhai over here as well. So Hafeez Bhai, I think when we look at Pakistan, you know, our par score has been somewhat around 160, you know, so somewhere around 155 to 165 is something that we would have been very comfortable with. What was wrong with the batters today, or do you think aaj ki jo pitch thi ya unki jo playing conditions thi ya jis tarah se England wale homework karke aaye the, hamare batters never stood a chance? No, I think chance तो था आपके पास. हमारी batting ने बहुत बेहतर तरीके से एक foundation दे दी थी. 10 over में I think 70 के पास runs थे. तो मुझे लगता है वहाँ से वो जो momentum को बढ़ाना, accelerate करना और एक plan के साथ end तक खेलना, वो missing part हो गया. Obviously यही सारे player थे, इन्होंने ही पहले भी किया, यहाँ तक हम पहुँचे. पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर इशू तो रहे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो कवर अप हुए बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट बॉलिंग साइड. लेकिन हमें ज़रूर ये देखना है कि कौन से एरियाज हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है. इस मैच को लेके डेफिनेटली हमारा जो बैटिंग मोमेंटम था वो हमने गेन नहीं किया आफ्टर मिडिल, लाइक आफ्टर प्लेइंग 10 overs. और जो लास्ट के 4 over हैं वो हमने दे दिए अपने उन प्लेयर्स को जो पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं, कि अगर वो 8 number 9 number वाला अगर वो 4 over खेलेगा तो वो तो एज के ऊपर से चौका हो सकता है, प्रॉपर शॉट नहीं लग सकती. तो मुझे लगता है कि एक मिसिंग पार्ट हुआ कि वी कुड गेट 160 आई बिलीव, लेकिन हमने 160-165 करने का जो प्लान था हम वो मिस कर गए. हमने थोड़ा अर्ली अपने विकेट लूज किए, वी विल लर्न फ्रॉम दिस. लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो प्लान था आज की एग्जीक्यूशन करने में एज ए मिडिल ऑर्डर एंड टेल, लाइक टेल से पहले मैं कहूँ लोअर मिडिल ऑर्डर, वहाँ पे हम लोगों ने वो प्लान थोड़ा मिस कर. एग्जैक्टली exactly. क्योंकि सर इसी के हवाले से बात करता हूँ कि आखिरी 5 ओवर से मेरे ख्याल है इंग्लैंड ने सिर्फ 31 रन कंसीड किए. सर ऊपर से जो बैट्समैन ने बैटिंग की है, 15 रन किए रिजवान ने, 32 किए बाबर ने, 38 किए शान ने और 20 किए शादाब ने. इसका मतलब है कि बल्ले पे बॉल लग रही थी, रन बना रहे थे, ये लंबी इनिंग्स नहीं हुई. पार्टनरशिप जैसे हमेशा लांस कहते हैं पार्टनरशिप लगनी चाहिए, पार्टनरशिप बड़ी लगी नहीं है. इन चारों ने मिलकर 84 बॉल खेले हैं, इनमें से थोड़ा सा और लंबी एक इनिंग चाहिए थी जो कि कम से कम 150-155 रन हो सकते थे. मिस्टेक हुई है, रॉन्ग शॉट्स खेले, एक ही जगह पे रॉन्ग शॉट्स खेले. जहाँ पे हम मोइन अली को देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं बेन स्टोक के साथ, 48 की पार्टनरशिप की, 49 के साथ पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई है ब्रुक और बेन स्टोक की, वो मैच विनिंग थी 45 for 3 then 84 for 4. तो ये पार्टनरशिप है ना, ये क्रिटिकल टाइम था दोनों टीम्स के लिए. मेरे ख्याल से ये यहाँ पे विकेट हमें मिलनी चाहिए थी, यहाँ मिल नहीं सकी. यहाँ पे थोड़ी प्लानिंग आपको चाहिए, दायरे में एक एक्स्ट्रा फील्डर लेके आया जाता है, आप बड़ी हिट लगवाते हैं. देख बेन स्टोक अगर स्ट्रगल कर रहा है 2 गली भी ले सकते थे. टेक्टिकल चेंजेस से मेंटली तौर पर प्रेशर डाला जा सकता था बेन स्टोक पे. बेन स्टोक की विकेट इस पूरे मैच में बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसने साबित किया वही के क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इसकी बायोपिक देखी है, अभी जो बनी हुई है वो अमेजिंग बनाई है. जैसी फिल्म बनाई है वैसे ही उसने अपना कैरेक्टर शो किया इस मैच के अंदर. एग्जैक्टली मैं एक चीज ऐड करता हूँ, जैसे राशिद भाई ने बात की थी कि उन्होंने ऑन द फील्ड जो डिसीजन लिया वो शानदार, नोइंग के जी लंबी बाउंड्री है, 20-20 कदम आगे आ गए. नॉर्मली बंदे 5 कदम आगे बुलाते हैं, उन्होंने 20-20 कदम आगे बुला लिए और वहीं पे बड़ी शॉट मारने गए, शान और नमाज दोनों आउट हो गए. हमने ये गलती की, मुझे लगता है कि वहाँ पे जहाँ पे इफ्तिखार आए हमारी बैटिंग को करने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन वहाँ पे शादाब का आके इंटेंट के साथ खेलना ज़्यादा फायदेमंद होता और एक पुश देता पाकिस्तान की बैटिंग को, जहाँ पे हमने ऑन लाइक
इस सिचुएशन को जांचते हुए हमने वो फैसला नहीं लिया, तो मुझे लगता है ये एक कमी है। दूसरा, नमाज को आज बॉलिंग ना करवाना, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता, ठीक है बेन स्टोक्स खेल रहा है, मैं ऑफ स्पिनर हूं तो अगर राइट हैंडर आ जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बॉलिंग नहीं करनी। तो मुझे लगता है कि नमाज को आज ये सोच के कि स्टोक्स खेल रहा है, हालांकि 6-7 ओवर के बाद वो एक ऐसा जोन था जहां पे नमाज एक या दो ओवर करके शायद वो आपको विकेट लेके देते, इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने हमें विकेट लेके दी, लेकिन उसके ऊपर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे। अब इसके बारे में तो कुछ चर्चा करने को है नहीं, उनका रिएक्शन ऑब्वियसली दुखी रहेगा, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को इतना निराश होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लिए ये वर्ड यूज़ किया जा रहा था मीम्स में कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहली टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली पहली टीम है। ऑब्वियसली जैसे इंडिया से हारे फिर जिम्बाब्वे से हारे तो ऐसा हो गया था सीन, बट पाकिस्तान की टीम पहली टीम बनी जो टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची पहला सेमीफाइनल जीतने के बाद। तो आप समझ सकते हो अब सिनेरियो ऐसा कुछ है कि यार पाकिस्तान फाइनल हार चुकी है। ऑब्वियसली इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग टीम थी, उनका अलग तरीके का खेलने का जो वो है स्टैंडर्ड वो अलग है। इंडिया के मैच में आपने देखा, पाकिस्तान के मैच में देखा, बॉलिंग में वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हैं और बैटिंग में बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग है। बॉलिंग में मतलब वो ऐसी फील्डिंग सेट करते हैं कि उनको विकेट नहीं लेना, उनको रन बचाना है। बैटिंग में उन्होंने दिखा दिया कि भैया वो हर तरीके का गेम खेल सकते हैं। अब क्या कर सकते हो आप, पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही डिफेंसिव दिख रही थी। बाबर आजम ऑब्वियसली और रिजवान, जिस दिन ये दोनों प्लेयर अगर खड़े हो गए 6-7 ओवर तो उस दिन या तो बहुत लंबा स्कोर बनता है या तो फिर बहुत कम स्कोर बनता है, और आज सीन हो गया उल्टा, 138 बने यार। सेम कंडीशन थी मतलब 10-12 ओवर के बाद इंडिया के सेमीफाइनल में बैटिंग के स्कोर की और आज के पाकिस्तान के स्कोर की, बट इंडिया के पास था हार्दिक पांड्या जिसने एक मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉक खेली, और पाकिस्तान के पास थे शादाब खान, इफ्तिकार, बट हुआ क्या कि वो किसी भी मतलब किसी के भी बैट में आज बॉल लगी नहीं और 138 तक स्कोर पहुंच गया, जो कि 170 होता तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान का बॉलिंग जो लाइनअप है वो बहुत फाइट बैक देता। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते हम बटलर फिर डिफेंसिव अप्रोच से खेलते ना, क्योंकि बटलर एक ऐसे प्लेयर हैं, ये लोग जो लिविंगस्टोन वगैरह ये लोग डिफेंसिव होते ही नहीं है, ये लोग अटैकिंग खेलते हैं। तो कुछ सिनेरियो और होता, ये लोग सोचते कि अब बहुत बड़ा एवरेज है तो शायद ये मार मार के ही खेलते, बट आज इन्होंने थोड़ा सा इंग्लैंड वालों ने बैटिंग भी डिफेंसिव की, इन्होंने सोचा कि यार थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से खेलना है। तो अब देख सकते हो यार आप क्या कहना है। मेरे हिसाब से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इतना ज़्यादा निराश होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी टीम अच्छा खेल के फाइनल नहीं पहुंची है, सेमीफाइनल अच्छा खेल के नहीं पहुंची, सेमीफाइनल के बाद अच्छा खेल के फाइनल पहुंची है, बट सेमीफाइनल तक अच्छा खेल के नहीं पहुंची है, ये बात तो कन्फर्म है। अगर आप बहुत अच्छा खेलते जैसा आपने लास्ट वर्ल्ड कप में खेला था, ऑब्वियसली लास्ट वर्ल्ड कप में आपको याद है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीता जिताया सेमीफाइनल हारा था, उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को ज़्यादा दुख हुआ होगा क्योंकि वो यूएई में था फाइनल, वहाँ पे पाकिस्तान की टीम वहाँ पे बहुत अच्छा खेल रही थी, इंडिया को हराया इन्होंने, न्यूजीलैंड को हराया इन्होंने, इन्होंने अफगानिस्तान को हराया, और फिर उसके बाद ये लोग मतलब सेमीफाइनल तक पहुँचे। सेमीफाइनल में भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टिंग में सारे विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद एक स्टॉइनिस और एक मैथ्यू वेट की पार्टनरशिप लगती है और पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। वो मैच पाकिस्तान को मेरे हिसाब से इस मैच से ज़्यादा उसके लिए सैड होना चाहिए क्योंकि उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम डोमिनेट करती हुई थी, इस वर्ल्ड कप में ये लोग गिरते पड़ते सेमीफाइनल पहुँचे हैं, बट सेमीफाइनल के बाद तो फाइनल पहुँचे ना, अच्छा खेला ना। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ।